वेलकम टू द आशिमा शो। कोरोना का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि हंटा वायरस ने दस्तक दे दी। हंटा वायरस जिसके केसेस चाइना के यूनान प्रोविंस में देखने को मिल रहे हैं, इस वक्त लोगों के मन में डर बनाए बैठा है। डर भी जायज है, एक तरफ कोरोना, एक तरफ हंटा वायरस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी दोनों वायरसेस की, कि कैसे हंटा वायरस हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ कैसे कोरोना वायरस जो हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, भारत समेत पूरी दुनिया को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। इस तरह की डेली अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल द आशिमा शो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दीजिए ना प्लीज सब्सक्राइब। सबसे पहले बताती हूँ आपको इस नए वायरस हंटा वायरस के बारे में। चाइना से एक और लाइलाज वायरस हंटा वायरस से एक व्यक्ति के मरने की खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंटा वायरस चूहों से फैलता है। अगर कोई इंसान चूहों के मल मूत्र या लार यानी कि यूरिन, एक्सक्रीटा या सलाइवा को छूने के बाद अपने चेहरे पे हाथ लगाता है तो हंटा से संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि आमतौर पर हंटा वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। हंटा के संक्रमण का पता लगने में 1 से 4 हफ्ते का वक्त लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति हंटा से संक्रमित है तो उसे बुखार, बदन दर्द, डायरिया जैसे लक्षण महसूस होते हैं। ज्यादा हालत बिगड़ने पर फेफड़ों में पानी भरने और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। कोरोना वायरस की तरह इस बीमारी का भी अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि वैक्सीन या एंटीडॉट उपलब्ध नहीं है। इससे डरने की जरूरत अभी इसलिए नहीं है क्योंकि पहला, ये कोरोना वायरस की तरह एक से दूसरे इंसान में इतनी तेजी से नहीं फैलता, ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है तो इसके संक्रमण को कंट्रोल किया जा सकता है, और दूसरा, भारत में इसका अभी तक कोई भी केस देखने को नहीं मिला है। ऑलरेडी हंटा वायरस को लेकर अजीबोगरीब भय पैदा करने वाली वीडियोस वायरल हो रही हैं। आप प्लीज ऐसी किसी वीडियो पर बिलीव मत कीजिए। अब बात करते हैं हमारे देश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ठीक 8 बजे भारतवासियों के नाम एक संदेश कि 24 मार्च 2020 की रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन होगा। मोदी जी ने इस लॉकडाउन को कर्फ्यू इतना सख्त ही समझने को कहा, यानी अब आने वाले 3 हफ्तों तक लोगों की चहल पहल देश भर में बिल्कुल बंद, सब पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद, ऑफिसेज बंद, बाजार बंद। लेकिन ये कठोर कदम उठाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह रामायण में जब सीता जी को लक्ष्मण रेखा पार करने पर नुकसान उठाना पड़ा था, उसी तरह अगर हमने भी अपने घरों के दरवाजे को लक्ष्मण रेखा नहीं समझा और घरों से बाहर निकले तो हमारे परिवार को भी उसी तरह नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको कोई कंफ्यूजन या भ्रम में रहना नहीं चाहिए। हमें इस वक्त अपने आप को घरों में कैद कर लेना है, बस यही एकमात्र मंत्र दिख रहा है भारत समेत दुनिया भर को इस वायरस के संक्रमण से बचने का। अब बात करते हैं लॉकडाउन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों की। आप सभी डेली रूटीन की राशन पाने की चीजें जमा करने की होड ना लगाएं और टेंशन में आने की भी जरूरत नहीं है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं यानी कि एसेंशियल आइटम्स की एक लंबी सूची बनाई है, टाइम टू टाइम आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस डिमांड को पूरा करने के लिए सभी सुनिश्चित कदम उठा रही हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, इस कठिनाई के समय में संयम बनाए रखें। इस कठिन समय में आपके लिए कुछ राहत भरी खबर भी है। आपके बैंक अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं तो किसी प्रकार की फी नहीं लगेगी। वहीं आप अपने घर के किसी भी नजदीकी बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए उसके ऊपर भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और वहीं अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपकी सुविधा के लिए लास्ट डेट 31 मार्च से एक्सटेंड करके 30 जून कर दी गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर हैं, सुरक्षित हैं। डेली में आपके लिए ऐसे ही ट्रस्टेड और वेरीफाइड अपडेट्स लेकर आती रहूंगी। आपकी ये वीडियोस मिस ना हो उसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।